तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से रावड़ी आवास के बाहर से रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, कल रावड़ी देवी से पूछताछ होती है, हालांकि जब वो बाहर निकलती है तो उनका कहना था ठीक है ये सब चलता रहता है, आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, कल 4 से 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, आज की फहरिस्त कितनी लंबी होने वाली है, सवाल जवाब का सिलसिला कितना लंबा होने वाला है, यही आगे की नीति तय करेगा कि क्या वाकई लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है या थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, सीबीआई अपने स्तर से इनपुट को जुटाने में लगी हुई है और जो पूरा मसला मामला है IRCTC का और इसके अलावा कह ले कि नौकरी के बदले में जमीन का जो मसला है, इस पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, इसके अलावा उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव, इन चार लोगों के अलावा अन्य जो समेत 14 लोग हैं उनको लेकर जो अराउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ पे 15 तारीख को वहाँ पे पेशी होनी है। और इससे पहले सीबीआई जो है जांच पड़ताल पूछताछ जो है वो कर रही है। पिछले वर्ष जो है FIR जो है वो हुआ था और हालांकि अभी की तस्वीर यहाँ पे देखिए मोटा मोटी आप कहें तो सन्नाटा पसरा है और कल यहाँ पे जो है इस समय में सुबह का जो 4 घंटा था करीब गहमा गहमी का था, जब करीब 14 लोगों की टीम जो है सीबीआई की यहाँ पे पहुँची थी 4 गाड़ियों में और पूछताछ जो है वो यहाँ पे की गई। तो जिस तरीके से जो साक्ष्य की बात है या फिर इससे पहले आप देखेंगे कि लालू प्रसाद के जो बहुत करीबी सहयोगी या उनके पीए कहले थे भोला यादव, उनके साथ दिल्ली में जो है हिरासत में लेकर फिर पूछताछ जो है वो की गई थी, बाद में वो विधायक भी रहे भोला यादव और काफ़ी करीबी एक तरीके से कि परिवार के जो लोग हैं उसमें वो शामिल हैं, जिस तरीके से उनका परिवार को लेकर आपस का उनका जो नाता रिश्ता रहा है। तो इस अब ये जो पूरा मसला मामला है इसमें जो सीबीआई है अपने स्तर से साक्ष्य जो है वो जुटाने में लगी हुई है, लेकिन जो RJD के लोग हैं, यहाँ तक कि खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पे कहा कि परेशान करने को लेकर और एक हथियार के तौर पे केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पे सीबीआई का उपयोग कर रही है और दूसरी एजेंसियों का भी उन्होंने नाम लिया और साथ ही साथ तमाम जो दूसरे पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, उनका भी कमोबेश लाइन यही था कि 2024 को लेकर ये पूरी कवायद है, जब यहाँ पे BJP की पकड़ जो है उस तरीके से नहीं रह गई है सामाजिक स्तर पर जो समीकरण है इसको लेकर, लिहाजा इस तरीके से वो परेशान कर रही है। तो अब इस तरीके से देखें और पहले भी कहा गया कि जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कि जब जब चुनाव आए हैं तब तब परेशानी रही और 2024 तक ये सिलसिला लगा रहेगा उनके अनुसार, हालांकि जो BJP है उनकी ओर से इस पर सफाई दी गई और साथ ही साथ कई सारे उदाहरण जो है उनकी ओर से भी दिए गए और महागठबंधन में जो घटक दल है JDU कांग्रेस उनकी ओर से भी बातों को रखा गया कि जब चाहे वो TMC के मुकुल राय हो या दूसरे लोग हों नाम गिनाया कि BJP के साथ आते हैं तो मामला हट जाता है, अगर साथ न रहें तो फिर और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस तरीके से राजनीति जो है इस मुद्दे मसले को लेकर हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको लेकर जांच पड़ताल जो है CBI वो दे रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता समर्थक है उनका ये कहना है कि होली जैसा त्यौहार है और जानबूझकर परेशान करने और दबाव की नीति के तहत इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह और साथ ही साथ CBI जो है वो पूछताछ यहाँ पे की है, अब दिल्ली में है तो इस तरीके से कोर्ट में जो पेशी होनी है उसके पहले उनकी जो पूरी कवायद है जांच पड़ताल की। मैं विस्तार से आपसे बातचीत करूंगी, बिल्कुल विस्तार से आपसे जानकारी लूंगी। दिल्ली से राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट दे रहे हैं। राहुल, फिलहाल क्या कुछ हलचल? देखिए, क्योंकि CBI की टीम अभी भी पहुंची हुई है वहां पर पूछताछ करने के लिए, यहां पहुंची हुई है और तमाम जो सवाल जवाब हैं इनको लेकर के ही यहां पूछताछ कर रही है। मैं एक बार कैमरामैन से जरूर कहूंगा क्योंकि हलचलें जो यहां पर हैं या CBI के जो सुरक्षा पूरा घेरा बनाया गया है उन सभी चीज़ों को लेकर के ही जरूर मैं दिखाऊंगा कि ये सामने आपको आवाज़ दिख रहा है और यही जो गाड़ियाँ हैं इन गाड़ियों में ही CBI की टीम यहाँ पहुंची है। 2 गाड़ियों में CBI की टीम यहाँ पर पहुंची है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूछताछ करने के लिए CBI की टीम यहाँ पहुंची थी और तमाम सुरक्षा के जो जवान, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर जरूर डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी हलचल या कोई कार्यकर्ता यहाँ आकर के किसी भी तरीके का कोई
यहाँ हुड़दंग न हो, उन सभी चीज़ों को लेकर के ही सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी चाक चौबंद यहाँ किया गया है। यहाँ रस्सियों को लगा करके और यहाँ घेराबंदी की गई है, किसी को भी वहाँ जो आवास है उसकी तरफ जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। तो एक पूरी की पूरी कोशिश है तमाम पूछताछ करने के लिए यहाँ पे जो टीम पहुँची हुई है, सवालों को साथ में यहाँ पर पहुँची हुई है। कितना समय लगता है, कितना ये यहाँ पर इनके द्वारा कितना कोप किया जाता है सीबीआई के साथ में, उस पर ही निर्भर करता है कि ये पूछताछ कितनी देर तक चलेगी। लेकिन सीबीआई की टीम यहाँ पहुँची हुई है और सीबीआई यहाँ पर लालू यादव से पूछताछ शुरू कर चुकी है। राहुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि फिलहाल सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है, पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हमारे सहयोगी राहुल ने तमाम जानकारी दी। रजनीश भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं, चूंकि कल पटना में रावड़ी आवास पर जो है वो पूछताछ हुई थी, लगभग 4.5 घंटे तक जो पूछताछ है वो हुई थी। रजनीश, मैं विस्तार से चाहूंगी कि आप थोड़ा डिटेल बताइए, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम देख रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि 2024 और 25 के चुनाव नजदीक है इसलिए प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जब तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए थे, जब तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कह दिया था कि जो भी बीजेपी में शामिल है वो हरीशचंद्र है, यानी कि सीधे तौर पर उनका निशाना था केंद्र सरकार पर कि ये महज प्रक्रिया नहीं है, ये प्रेशर है जो बनाया जा रहा है लालू परिवार पर। बिल्कुल, देखिए विस्तार से बातें बताएं, इससे पहले थोड़ा अपडेट भी हम दे दें कि तेजस्वी यादव कल जब विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद वो दिल्ली रवाना हुए हैं और कल यहाँ पे भी वो नहीं थे जब टीम पहुँची थी और वो विधानसभा के लिए निकल गए थे। हालांकि तेज प्रताप उस समय घर में मौजूद थे। तो तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली में है और यहाँ पे राबड़ी देवी ज़रूर है। और इसके अलावा जिस तरीके से बातें हुई है, पूरे तौर पे कहा जा रहा है कि दबाव बनाने को लेकर और परेशान करने की नीयत से ये पूरी बातें जो है वो हो रही है। साथ ही साथ 2024 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर थोड़ा और पीछे में जाए तो देखिए, लालू यादव जब रेल मंत्री थे और 2004 से 9 तक के बीच का जो मसला है, जब यूपीए सरकार यूपीए 2 में जब वो रेल मंत्री थे, उस दरमियान जो आरोप है आईआरसीटीसी का जो मामला है उसमें नौकरी के बदले जमीन का मामला मसला है और इसको लेकर सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की है, जो साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिसको लेकर कहा गया कि जो कीमत है, जो रेट है जमीन का, उससे काफ़ी कम कीमत पर या बिल्कुल नगण्य कीमत पर जो है जमीन जो है अदला बदली की गई है। इसको लेकर विपक्ष जो है वो, यानी बिहार में जो विपक्ष है यानी बीजेपी जो है वो आरोप लगाती रही है पहले से। और तब का मसला 2022 में इसमें एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया और पिछले साल भी यहाँ पे सीबीआई की टीम आई थी, उस समय भी इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिला था। और इसी कड़ी में कल जब सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुँची तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे दफ्तर खोलने क्यों, बार बार आना जाना, सरकार के पैसे का दुरुपयोग और इस तरीके से परेशान होते हैं, हमारे आवास में ही दफ्तर खोल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से तंज कसे गए थे कल तेजस्वी यादव की ओर से। और अब जबकि सीबीआई की टीम दिल्ली में भी लालू प्रसाद के यहाँ पहुँची है और राबड़ी आवास पर भी कल करीब करीब 4-4.5 घंटे का समय जो है यहाँ पे पूछताछ में, और इसको लेकर जब विधान परिषद में पहुँची थी यहाँ से पूछताछ के बाद राबड़ी देवी, तो उनका भी रुख जो है कुछ वो नाराज़गी भरा था और उनके जो बयान थे जो कहते हुए वो अंदर गई वो भी नाराज़गी भरा था। और इसी तरीके से तमाम जो इनके पार्टी के नेता प्रवक्ता विधायक है उनके भी जो लहजे हैं कमोबेश वैसे ही थे जैसे तेजस्वी यादव के। और इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी जो है इस मसले को लेकर वो तेज़ है और जो घटक दल है गठबंधन के, महागठबंधन के जो सरकार में शामिल है, चाहे कांग्रेस हो जेडीयू हो, वो भी यही कह रहे हैं कि जो अगर बीजेपी के साथ हो जाए तो वो पाक साफ हो जाते हैं, अगर जो उनके खिलाफ मोर्चा खोले तो उनके ऊपर दबिश और इस तरीके से एक एजेंसी के तौर पे, हथियार के तौर पे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स इसका उपयोग केंद्र सरकार करती है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है बीजेपी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष यानी बिहार में जो सत्ता पार्टी में शामिल लोग हैं वो भी बीजेपी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मुझे एक छोटा सा अपडेट दे दीजिए कम समय में, अभी राबड़ी आवास में फिलहाल कौन कौन मौजूद है इसकी जानकारी आपने कहा तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
देखिए तेजस्वी यादव कल शाम को ही दिल्ली के लिए